आज इंशाल्लाह रैबिट्स के नाम भी डन करने हैं, तो चले आए अभी जाते हैं मिनी ज़ू पे, उनका नाम भी डन करते हैं और आपको नया नाम भी बताते हैं कि उनका नया नाम क्या है। जी जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि ये कबूतरों की जो है ना, हमने दरवाज़ा बनाया हुआ, इसका दरवाज़ा खुल गया था रात को, तो जो बिल्ली थी वो अंदर घुस गई थी। बच्चे जो थे, बच्चे भी निकले नहीं थे, ठंड की वजह से बच्चे नहीं निकले रहते, तो इस वजह से वो बचत हो गई है। बच्चे एक जो दो ही थे उसे ही उसने खाया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाकी कबूतर डर गए थे तो ये वापस उसमें जा नहीं रहे अभी डरबे में। सुबह सुबह पहले आपको पता है कि कभी भी कबूतर बाहर नहीं आते थे, ये देख रहे हैं दरवाज़ा, उसके पास आते हैं और वापस चले जाते हैं, पास आते हैं और वापस चले जाते हैं, तो ये डर गए हैं। किसी भाई को कोई तरीका पता है कि इसको वापस कैसे इस घर में ले के आना है, क्योंकि हमारे पास यही एक जगह है और जगह ही नहीं है, तो मुझे वो बताए कि इसका कैसे करना है, वापस इनको ले के आएँ अपने डरबे में जो रहें अंडे बच्चे और करें, क्योंकि अब ये रात भी इधर बाहर ही गुजार रहे हैं तो बाहर बहुत ठंड होती है, जिस वजह से नुकसान होगा। हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत हूँ। फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आप सबको वेलकम करते हैं अपने न्यू व्लॉग में। वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग्स, वेलकम टू द ज़ेफ़ियवान चैनल, वेलकम टू द ब्यूटीफुल डे, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ। ये पहली वीडियो है, आज यकम जनवरी है 2024 की, तो ये पहली वीडियो है, तो आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जिन जिन की नेक दुआएं हैं, जिनकी कोई हसरतें हैं, अल्लाह पाक वो पूरी करें और आप लोगों का साल जो खुशियों भरा और रोज़गार कारोबार वसी खाने का हो। उम्मीद है कि अल्लाह पाक आप सबको खुशियां दे। सब लोग कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर बोलिएगा। तो सुना है 2024 में कुछ चेंज भी हुआ है या नहीं? हमारे पास तो वैसे ही का वैसा है, वही धुंध है, वही सब कुछ है वैसे का वैसा। हालांकि जनवरी में कुछ कम होना चाहिए था लेकिन कम नहीं हुआ, ज़्यादा ही हुई है, ठंड बहुत है। मैं अभी नहा के आया हूँ और धूप का कुछ सोच रहे हैं कि शायद को हमारे ऊपर ड्रैक लग गया, लेकिन लग कुछ भी नहीं रही। तो चलें 2024 के स्टार्ट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को वायरल करें। आप लोगों के लिए मैं डेली ये मेहनत करता हूँ, जो जो काम करता हूँ। देखें, हर इंसान जो मेहनत करता है वो कुछ अपने लिए करता है, कुछ अपने जो उनकी फैमिली यूट्यूब की फैमिली है, टिकटॉक की, फेसबुक की फैमिली है, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे वो पोस्टिंग करता है उधर उधर उसकी जो जो फैमिली है वो उनके लिए भी करता है कि भाई जो चीज़ हम खुद देख रहे हैं हमें इससे तसल्ली मिलती है, दिल को खुशी होती है। परिंदों को दाना पानी डालना ये हर किसी का आप देख रहे हैं, भाई हर कोई ये नहीं काम करता। कोई कोई स्पेसिफिक बंदे होते हैं कारोबार के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन शौक़ के लिए कोई कोई करता है। तो किसी का शौक प्रमोट करें, किसी की आप मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद के लिए कोई ना कोई और वसीला बना देगा, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो अगर आपके सामने आ जाए तो ख़ुद भी देखा करें, कंप्लीट देखा करें, एंड तक देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, उनको भी लिंक शेयर किया करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराया करें, लाइक कराया करें, कमेंट कराया करें। मैं आपसे कितनी दफ़ा बोलता हूं कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि भाई आप ये वाले परिंदे लेके आओ, ये वाली चीज़ लेके आओ, हमें इन चीज़ का शौक है, हमें इस चीज़ के ऊपर बताओ, ठीक है। तो एक भाई तो उन्होंने बटेर का बोला था, तो इंशाल्लाह बटेर के ऊपर भी हम जल्दी करेंगे। एक टिकटॉक की फैमिली में से एक बंदा था, उसने टर्की बर्ड का बोला था, तो इंशाल्लाह टर्की बर्ड भी लेके आएंगे। आपसे देखें, मैंने वादा किया था कि वन के आप कंप्लीट मेरा करवाएंगे, तो उससे अगले दिन ही या जल्द ही उससे कंप्लीट होने के बाद ही हम फौरन कुछ ना कुछ न्यू लेके आएंगे। तो देखिए, मैंने आपके साथ वो वादा मुकम्मल किया, मैं अपने मिनी ज़ू के ऊपर रैबिट्स और गायनाफॉल लेके आया हूँ। हालांकि बोली मैंने एक चीज़ थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे वन के कम्प्लीट करवाया था, वो आप लोगों की सपोर्ट थी, आप लोगों का प्यार था, इस वजह से फिर मैंने कहा भाई मेरी फैमिली इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रही है तो मुझे भी दिखाना चाहिए, तो मैं वो लेके आया था। तो चले इसी खुशी में जल्दी से आप लोग मेरा चैनल लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जाते हैं अभी बर्ड्स रूम में, अभी अभी लाइट आई है, हीटर भी ऑन करते हैं और उन्हें जाते हैं और पानी भी डालते हैं। तो चले आए मेरे साथ, जुड़े रहें, जाते हैं बर्ड्स रूम में। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब बर्ड्स को दाना पानी लगा दिया गया है। आज पहले बर्ड्स यूजुअली, जैसे कि आपको पता है सबको कि सबकी सुबह बॉक्स की चेकिंग होनी होती है, तो अभी सब बर्ड्स की बॉक्स की चेकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। कुछ बच्चे बाहर आ गए हैं तो बॉक्स से बाहर आ गए, वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ अंडे नए आ गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें जी। तो सबसे पहले इस बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
इस बॉक्स में आज तो दोनों पीसेज माशाल्लाह बॉक्स में बैठे हुए हैं और इसमें दो अंडे हैं। ये फीमेल बाहर आ गई है, अभी वापस अंदर चली जाएगी। इस बॉयज आपको पता है क्योंकि मेरे पास जावा के पट्टे हैं, इधर देख लेते हैं। ये मेरे पास रेड आइस का पेयर है माशाल्लाह से, इसने चार एग्स दिए हैं जिसमें से तीन फर्टाइल है एक इनफर्टाइल। बच्चों को फीड हो रही है इधर, इधर चेक कर लेते हैं माशाल्लाह से। ओ इधर नया एग आ गया दोबारा से, भाई ये तो बहुत फास्ट हैं। एक नया एग आ गया इधर, ये पुराने वाला एग था जो कि आई थिंक सो के ख़राब है, और इधर एक नया एग आ गया है। और ये दो बच्चे भी बाहर पहुंच गए हैं, ये अंडा पर फेंक देते हैं। इधर आपको पता है बॉक्स में दो एग्स थे और वो दो एग्स दो बच्चे थे माशाल्लाह से। एक बच्चा ये रहा ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बच्चा ये रहा और एक बच्चा ये नीचे माशाल्लाह से दोनों बच्चे आ गए हैं। इधर हम चेक कर लेते हैं, इधर एग्स रखे थे पर ये एग्स ख़राब हैं। इधर चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है, जो मेरी पेंगुइन फिंच है इसने क्या किया है। इसने सिर्फ सत्यानाश किया है, सत्यानाश के अलावा इसने कुछ भी नहीं किया। इधर चेक कर लेते हैं, कुछ बच्चे थे उनको, वो कैसे जा रहे हैं, उनको क्या फीड हो रही है नहीं हो रही, और वो अभी तक कैसे हैं। ये माशाल्लाह से इसमें चार बच्चे थे और चार बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। आपके सामने हैं दो बच्चे वो रहे, दो बच्चे ये रहे, और माशाल्लाह से अभी ये चार बच्चे अच्छे जा रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से ये बढ़ रहे हैं। अभी हम इस कॉलोनी के केज को चेक कर लेते, बॉक्स को पहले उस वाले बॉक्स को चेक करते हैं क्योंकि इधर भी नेस्टिंग हुई थी और एग आया था, तो इधर चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। नेस्टिंग भी हुई हुई है जो कि अभी बाहर जा रही है, ज़्यादा नेस्टिंग इधर डालनी पड़ेगी, और एक एग भी आया हुआ है इधर माशाल्लाह से, ठीक है। तो अभी इधर कॉलोनी में चेक कर लेते हैं कि बच्चों को क्या पोजीशन है। इधर कॉलोनी के बच्चे ओहो, इसकी तो लेग डैमेज हो गई है मुझे लग रहा है ऐसे, लेकिन नहीं अपने पाँव पे है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इस बच्चे को, ठीक है। ये बच्चा बाहर गिर जाता है, पता नहीं इसे क्या मसला है, क्या इशू है, ये उठ के तो बाहर चला जाता है, बाहर गिर जाता है। इस बॉक्स में चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है, कुछ भी नहीं है इस बॉक्स में, कुछ भी नहीं है। इस बॉक्स को चेक कर लेते हैं, इधर वाइट हमारे पास जावा थी, उसने क्या कुछ कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से इधर दो बच्चे हैं हमारे पास वाइट जावा के, और वो अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो इससे जल्दी से हम बंद कर देते हैं। इससे इधर चेक कर लेते हैं, इधर भी वाइट जावा है लेकिन अभी तक कोई नहीं है। इनके बॉक्सेस सख्त हैं, खुलते मुश्किल हैं, ये वाला इजीली खुल जाता है, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, एक ही बच्चा है इधर माशाल्लाह से, और काफ़ी हेल्दी एक्टिव और बड़ा हो रहा है। इधर चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है, हम इस बॉक्स को ऊपर रखते हैं। चलो जी, अंदर जाना है या बाहर जाना है, जो कुछ करना है करो, पर ये बच्चा है इसने कुछ भी नहीं करना। तो हम चेक कर लेते हैं, इधर माशाल्लाह से दोबारा से एग्स आ गए हैं और ये दो बच्चे बाहर नहीं जा रहे। जब तक ये बच्चे बाहर नहीं जाते हम तब तक बॉक्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये रही जी मेरी होगरोमो, आपको दिखाते हैं डव के बच्चे। ये देखिए, एक बच्चा इधर है, दूसरा बच्चा ये रहा नीचे, ये आ गए हैं दो बच्चे माशाल्लाह से, ये उसमें से खुजे में से बाहर आ गया। तो हम इस बच्चे को भी उठाते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो शायद इसे इधर फीड ना हो इसलिए हम इसे उठा के तो इसके जो है इधर खोजा, इस खोजे में छोड़ देते हैं। और दूसरे बच्चे को ये नहीं कहा था कि एक अपने घर में आया तो दूसरा भाग जाए घर से, दूसरे को भी हम ओहो क्या सीन है तुम लोगों, तुम सब दोनों का, एक आता है तो दूसरा भाग जाता है, दूसरा आता है तो एक भाग जाता है, अपने खोजों में रहो। अभी दोनों को इधर रखना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। हाँ इधर पास पास ज़रूर रहो, सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि अभी इन्होंने फीड होनी है इनकी, तो होगी। तो ये थी जी इधर की वीडियो, माशाल्लाह से सब बर्ड्स को मैंने आपको चेक करा दिए, आपको दिखा दिए। अभी जाते हैं मिनी जू पे, उधर रैबिट्स हैं,
उन्हें उनकी फीड डालते हैं, जो गहना पॉल्स और मुर्गियाँ उन्हें उनकी फीड डालते हैं, और आज रैबिट के नाम भी हम डन करेंगे इंशाल्लाह। तो चले आए जाते हैं मिनी ज़ू पे। जी जी मैं मिनी ज़ू पे आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये मेरे पास आज रैबिट्स की खुराक है, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं इधर लगी हुई थी हमारे पास, तो मैंने ये उतार के ले आया हूँ। अभी रैबिट्स को ये डालते हैं। एक रैबिट मेरा वो देखो उधर फंसा हुआ है, एक वो भाग रहा है, ये देखे कितने मज़े से भाग के आ रहे। आ जाओ, ये ले जी आ गया मेरा रैबिट, ये लो जी खा लो। अभी वो दूसरा देखेगा तो दूसरे को भी उधर से निकालते हैं, वो आगे ना भाग जाए। वो जी वो उधर भाग गए। ये राजू मेरा रैबिट माशाल्लाह से आज इसे डाल दिया। अभी वो खोलते हैं दरवाज़ा, उधर से वो दाना निकालते हैं। दाना निकाल के तो सबको ये रहा जी इधर पड़ा हुआ दाना, जिसके अंदर मैंने बाजरा भिगोया हुआ है। तो ये हम अभी इधर डालेंगे। चलो जी पानी निकल गया सारा, पानी निकल गया। अब यहाँ पे बाजरा हम डालेंगे ऐसे। चलो जी आ जाओ अभी उधर से, ताकि ये मुर्गियां सारी ये चीज़ें छोड़ें, हम इधर से इन्हें निकाल के तो उधर भेजेंगे ताकि वो दाना खाएं वहां पे जाके। वो रैबिट्स आएं और रैबिट्स अपना खाना खाएं और मुर्गियां जो हैं वो अपना खाएं। ये देखें जी माशाल्लाह से इन सबको डाल दिया है, उनका दाना भी उधर डाल दिया है। ये मुर्गियाँ वापस फिर बार बार इधर सब्जी चली, ये दूसरा भी आ गया। तो अभी मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ, मैंने नाम सोचे हैं। वो कज़न आपको पता है मेरे पास आया हुआ, तो उससे भी मशवरा किया, उसने मुझे यही बोला है कि आप इसके नाम रखो। ये जो छोटे वाला है इसका नाम रखेंगे, ये जो ब्लैक आई पे नहीं है इसका नाम हम रखेंगे चिंटू, और वो जो रेड आई पे है ना उसका नाम हम रखेंगे मिंटू। चिंटू और मिंटू हम दोनों के ये नाम है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमारे गना फॉल्स के नाम बताएं कि इनके क्या नाम रखने हैं। इनके तो नाम मैंने डन कर दिए हैं चिंटू एंड मिंटू, और आप अभी मुझे गना फॉल्स के नाम बताएं कि हमने गना फॉल्स के क्या नाम रखने हैं। तो देख सकते हैं आप, अभी तक इधर हमारे पास टाइम हुआ हुआ है जी 9:20 और अभी तक धुंध नहीं गई। मौसम बहुत ख़राब है, अपना भी ख्याल रखें, अपने जो आपने बर्ड्स रखे हैं उनका भी ख्याल रखें, और उनके लिए भी अच्छी डाइट का इंतज़ाम करें। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ज़ैफ़ी अमान को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चिंटू क्या हुआ है, क्या है चिंटू? वो रहा हमारा मिंटू, ये हमारी गना फॉल्स। ठंडा पानी और ठंडी जगह।